गांव के बाहर की झोपड़ी में चुड़ैल। बिराजपुर में मोहन राव और बहादुर नाम के दो दोस्त हुआ करते थे। एक बार बहादुर मोहन राव के घर को बकरे के सर लाया। मोहन राव को उदास बैठे देख बहादुर, भाई क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो? हुलिया ऐसे बनाए जैसे तुम पूरे देश के पीड़ितों के ब्रांड एम्बेसडर हो। तुम्हें बकरे के सर का सालन बहुत पसंद है कहकर ये देखो बकरियों के सर लाया हूँ, मगर तुम ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो? कोई मर गया है क्या? कहकर पूछा। मोहन राव उदास होकर, मर गए तो भी अच्छा रहता था, एक बार रोकर चुप हो जाता था, मगर आए दिन उसके चेहरे को देखे तो ही आंसू रोक नहीं पा रहा हूँ। कहा बहादुर, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मोहन राव, और किसके बारे में? मेरे दामाद के बारे में। किसी रास्ते पे चलते अनाड़ी को लाकर मैं इससे प्यार कर रही हूँ, इसी से शादी करूँगी। अगर तुम घर के अंदर आने नहीं दिए तो मर जाऊंगी कहकर मेरी बेटी ने मुझे धमकाया। एक लौती बेटी है, सिर्फ उसी के लिए उस पनौती को लाकर सर पे बिठा के रखा हूँ। दिमाग से जीरो है, खूबसूरती नहीं है, जायदाद भी नहीं है। इसके ऊपर एक रुपया रखे तो भी उसे चवन्नी में भी कोई नहीं खरीदता, उतना बेवकूफ है। यूं कह रहा था तभी मोहन राव का दामाद मुन्ना वहाँ पर आया। उसके हाथ में एक चमकीला पत्थर था। उसे ससुर को देते हुए, मुन्ना, ससुर जी आप हमेशा मुझे ना समझ बेवकूफ कहकर डांटते रहते हैं ना, अब देखिए करोड़ों रुपए कीमत के हीरे को लाख रुपए सोने का चेन देकर मैंने खरीदा है। कहकर उसके हाथ में चमकीला पत्थर रखा। मोहन राव उसे देखकर सर पीटकर उस पत्थर को जमीन पे फेंका और, किसी ने तुम्हारे कान में एक बड़ा कॉलीफ्लावर रखा है, एक चमकीले पत्थर को हीरा कहकर बेचकर तुम्हें उल्लू बनाया उसने, और तुम एक ना समझ की तरह धोखा खाकर आ गए। लाखों रुपए के सोने के चेन को खो दिए, जाओ अंदर जाकर एक कोने में पड़े रहो। कहकर डांटकर उसे अंदर भेजा। मुन्ना दुखी होकर अंदर चले गया। मोहन राव बहादुर से, अब समझ आया क्या मेरी परेशानी क्या है? अगर ये पनौती मेरे घर में रहा तो वो ये घर और पूरी जायदाद को बर्बाद करके किसी ना किसी दिन मुझे और मेरे बेटी को रोड पे लाएगा। कहते ही बहादुर, परेशान मत हो यार, मैं ऐसी परिस्थिति आने नहीं दूंगा। मेरे पास एक उपाय है, तुम मेरे कहे जैसे करो, तुम्हें तुम्हारे दामाद से छुटकारा मिलेगा। मोहन राव घर के अंदर गया। बहादुर तब, मुन्ना जी कहते ही मुन्ना बाहर आया। बहादुर, तुम्हारे ससुर जी तुम्हारे बारे में सोचते हुए बहुत परेशान हो रहे हैं। जंगल में एक खजाना है कहकर मैंने सुना है, तुम अपने समझदारी और साहस से उस खजाने को लाकर दिए तो तुम्हारे ससुर जी तुम्हारी बहुत तारीफ करेंगे। ये लो, अगर तुम्हें रास्ते में भूख लगे तो इन बकरियों के सर को पकाकर खा जाओ। कहकर उसे बकरी के सर दिया। मुन्ना उन्हें लेकर जंगल की ओर चला। मोहन राव बाहर आकर, उसे बकरी के सर क्यों दिए यार, वो भी बेकार हो जाएंगे। कहते ही बहादुर, यार जंगल में एक चुड़ैल है, वो जंगल के रास्ते से जा रहे राइयों को बिरयानी की लालच दिखाकर उन्हें खा जाती है। बकरियों के सर के साथ जा रहे मुन्ना को वो देखकर उसे भी खा जाएगी, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। कहते ही मोहन राव, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें अच्छा पार्टी दूंगा। कहा मुन्ना बकरी के सरों को लेकर जंगल के रास्ते से जाने लगा। उसे देखकर वो चुड़ैल, हाँ हाँ आज इसे खाए तो मेरी भूख मिटेगी, सोचकर एक सुंदर सी लड़की के जैसे रूप धारण की और झट से खुशबूदार बिरयानी को प्रकट की। जंगल में चलते चलते थके हुए मुन्ना को उस बिरयानी की खुशबू को देखकर जान में जान आई। उसके पास रुकते ही चुड़ैल, क्यों हैंडसम, ऐसे अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? तुम्हें भूत और चुड़ैलों से डर नहीं है क्या? भूख नहीं लग रही है क्या? आओ मैंने स्वादिष्ट बिरयानी बनाया है, आओ खाकर जाओ। बोली बस मुन्ना अपने मन में, अगर बुलाते ही गए तो हम उनके नजर में छोटे हो जाएंगे, मुझे भूख नहीं लगे जैसे नाटक करूंगा। सोचकर मुन्ना, ओ जी आपके बिरयानी की खुशबू बहुत अच्छी है, मगर मुझे भूख नहीं लग रही है, अभी अभी ये देखिए इन तीन बकरियों को मार कर खा गया, मेरा पेट भर गया। कहकर उन बकरियों के सरों को बिरयानी के ऊपर रखा। उन्हें देखते ही चुड़ैल डर गई। चुड़ैल तब, बाप रे बाप, मैं ही बड़ी चुड़ैल हूँ, सोचे तो लगता है ये मुझसे भी बड़ा भूत है, मैं एक बकरी भी नहीं खा सकती, मगर ये क्या, ये एक साथ तीन बकरियों को खा गया, अगर इसके हाथ लगी तो ये मुझे भी खा जाएगा, ये जंगल नहीं तो दूसरी जंगल, ये नहीं तो दूसरा आदमी मिलेगा, भागो। कहकर वहाँ से भाग निकली।
मुन्ना तब, अरे रे बेकार में जिद किया मैंने, वो लड़की कहाँ पर है, दिख नहीं रही है। देखा तो वो चुड़ैल भागते हुए दिखी। तब मुन्ना, बाप रे वो चुड़ैल है क्या, अम्मा जैसे तैसे बच गया, नहीं तो यही मेरा आखिरी दिन होता। सोचकर वहाँ पर देखे तो उस पेड़ के पीछे बहुत सारा सोना दिखाई दिया। सोने को देखकर मुन्ना, लगता है ये सारा सोना मेरे जैसों को खाने के बाद उनसे लिया हुआ सोना है। सोचकर उस सारे सोने को एक बोरी में बांधकर घर को निकला। सोना अपने ससुर को देते हुए, मुन्ना, ससुर जी ये लीजिए सोना, जंगल में एक चुड़ैल रास्ते से जाने वालों को खाकर इन्हें जमा कर रही थी। वो चुड़ैल मुझे देखकर, मैं कोई राक्षस हूँ सोचकर मुझसे डरकर भाग गई। इतना सारा सोना जंगल में ही रहा तो कोई चुरा कर ले जाएगा ना, इसलिए इसे घर लाया। ये लीजिए, जिस दामाद को बेकार सोच रहे थे आज उसी दामाद को सोना लाते देख मोहन राव बहुत खुश होकर उसे उठाकर घुमाया। टाइगर वाला। एक गांव में बदानी नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो एक शराबी था। 24 घंटे वो शराब के नशे में धुत रहता था। उसकी एक पत्नी और बेटी थी। क्योंकि बदानी हमेशा नशे में धुत रहता था, उसके घर चलाने की जिम्मेदारी उसकी पत्नी नीलिमा ने अपने कंधों पर ले लिया। एक दिन बदानी ने अपने पत्नी नीलिमा से शराब के लिए पैसे मांगे। बदानी, अरे भगवान, मैं पैसे मांगता हूँ तो तुम मुझे मना करती हो, हाँ? अरे मैं जानता हूँ तुम्हारे पास पैसे हैं। मुझे शराब के लिए पैसे चुपचाप दे दो, वरना बहुत मारूंगा तुम्हें। पैसे चुपचाप दे दो। अजी, आप ऐसे शराब में धुत रहोगे तो घर कैसे चलाएंगे? अब मैं 4 घरों में बर्तन मांजती हूँ, तब जाकर 2-4 रुपए कमा लेती हूँ। ये इन पैसों से हम ठीक से 3 वक्त खाना भी नहीं खा पाते। तब बदानी ने नीलिमा को जोर से एक थप्पड़ मारा और, क्यों रे तुम मुझसे नाटक करती हो, हा? मैं जानता हूँ तुम्हारे पास पैसे हैं। अगर तुमने नहीं दिए तो मैं खुद ढूंढ दूंगा। तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? अरे ओ शराबी, वो पैसे बेटी के स्कूल के फीस के लिए जमा किए थे मैंने, तुमने बिना पढ़े लिखे अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, कम से कम अपने बेटी को तो पढ़ा ले, कहकर दुखी होने लगी। तब बदानी ने नीलिमा को फिर से मारा और, क्यों रे तुम मुझे जवाब देती हो, हाँ? कहकर उसे मार कर चला गया। नीलिमा उस गांव के मुखिया के घर में काम करती थी। एक दिन बदानी मुखिया के घर गया और वहाँ जाकर, मुखिया जी क्या आप घर में हैं? तब मुखिया की पत्नी सत्यवती वहाँ आई और, क्यों बदानी यहाँ कैसे आना हुआ, मुखिया जी घर पर नहीं है, क्या काम है बताओ। तब बदानी, मालकिन नीलिमा अचानक खड़े खड़े बेहोश हो गई, मैं उसे अस्पताल ले गया तो डॉक्टर कहते हैं उसकी इलाज के लिए 1,000 रुपए लगेंगे। मैं मुखिया जी से उधार मांगने आया था। तब सत्यवती, क्या ये सच है? रुको रुको, मैं ये पैसे लेकर आती हूँ। कहकर अंदर जाकर 1,000 रुपए लाई और उसे बदानी को दिया। उन पैसों से बदानी ने शराब खरीदा, खूब पिया और घर चला गया। घर पर नीलिमा हाथ में झाड़ू लिए हुए उसे झाड़ू से मारने के लिए तैयार खड़ी थी। बदानी के आते ही, क्यों रे शराबी, मालकिन से मेरी सेहत के बारे में झूठ बोलकर तुम उनसे पैसे हैंडते हो, हाँ? अरे कलमुए, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो बेचारी ये सोचकर कि मेरी तबीयत सचमुच खराब है अस्पताल चली गई मुझे देखने के लिए। जब उन्हें पता चला कि ये झूठ है तो घर आकर उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। तब बदानी, देखा और तुम तो कहती थी मैं किसी काम का नहीं हूँ, हाँ? देखा मैंने कितना बढ़िया एक्टिंग करके पैसे ऐंठे। अरे अगर मैं एक्टिंग में उतर आया तो अमिताभ बच्चन से भी बढ़िया एक्टर हूँ मैं। तब नीलिमा बदानी को खूब मारने लगी। सवेरा हुआ, बदानी शराब के नशे में एकदम झूमता हुआ सड़क पर जा रहा था। तभी उसकी नजर एक भैंस पर पड़ी। बदानी उस भैंस को रोककर उसके पीठ पर चढ़ बैठा। उस भैंस को मारते हुए बदानी, चल चल
चल मेरी यमहा, हाँ? चल ले चल मुझे अपने भी घर चल यार। तभी उस भैंस का मालिक गंगू वहाँ पहुँचा और, ए शराबी, उस बेजुबान जानवर को तुम यूं क्यों मार रहे हो? तब बदानी, मैं तुम्हें तो नहीं मार रहा हूँ, अरे शुक्र मनाओ और थोड़ी देर तक यहीं खड़े रहे तो मैं तुम्हें मारूंगा, देख लो। यूं भैंस के पीठ पर बैठकर वो जंगल की ओर चला गया। यूं चलते चलते ज्यादा नशा होने के कारण वो भैंस के पीठ में से नीचे लुढ़क गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसके सामने एक शेर खड़ा था। वो शेर को देखकर बिल्कुल नहीं डरा। वो शेर के पास गया, उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देखते हुए, अरे तुम मुझे गिराती है, तुम्हारी ये हिम्मत, कहकर उसने एक डंडा उठाया और उस शेर को जोर से मारने लगा। वो शेर डर गया। वो उस शेर के पीठ पर जा बैठा और उसे मारते हुए, चल 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 ओ मेरे साथी, ओ मेरे यमहा, चल ले चल मुझे मेरे घर। इस तरह शेर के पीठ पर बैठकर वो गांव के ओर चला गया। उसे यूं आते हुए देखकर गांव वाले, बाप रे शेर शेर, कहकर डर कर भाग गए। ये देखकर एक व्यक्ति ने फॉरेस्ट ऑफिसर को फोन किया। बदानी उस शेर के साथ अपने घर गया। शेर के पीठ में बैठा हुआ बदानी, नीलिमा नीलिमा बाहर आओ। नीलिमा गुस्से में बाहर आई। वहाँ बदानी को शेर के पीठ पे बैठा हुआ देखकर नीलिमा, हाय भैया, ये शेर के पीठ पर बैठे हो? शेर, अरे उसके पीठ से नीचे उतरो। बदानी, हाँ हाँ, अरे शेर, अरे मैं सबसे बड़ा शेर हूँ। तब नीलिमा, अरे शेर तुम नहीं, तुम सचमुच के शेर के पीठ के पीछे बैठे हो। बदानी, आई ये शेर वेर कुछ नहीं है, ये उस गंगू की भैंस है, ये मेरी यमाहा है, कहकर उसने उस शेर को जोर से मारा। बस शेर एकदम जोर से दहाड़ने लगा और उछला। बदानी उछल कर नीचे जा गिरा। तब उसे होश आई। तब बदानी, बाप रे शेर, कहकर चिल्लाने लगा। तब वो शेर उसके ऊपर झपटने के लिए एकदम तैयार था। तभी फॉरेस्ट ऑफिसर्स वहां पहुंचे और उन्होंने बंदूक से नशीली इंजेक्शन को शेर पर चलाया। उस दवाई से शेर वहीं पर नीचे गिर गया। उन अधिकारियों ने उस शेर को वापस जंगल में छोड़ दिया। इस हादसे के बाद बदानी ने शराब पीना बिल्कुल छोड़ दिया। वो अपने बेटी और पत्नी का ध्यान रखने लगा।